सो हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत देश के सभी प्रो रेसलर्स के बारे में कि हमारे देश इंडिया से और इंडियन ओरिजिन के ऐसे कितने रेसलर्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग, WWE एंड पूरे वर्ल्ड के सामने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं जीत रामा सर। दोस्तों जीत रामा WWE NXT में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी इन रिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1981 को हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बागरू नामक गांव में हुआ था। इन्होंने 13 साल की उम्र से ही अखाड़े में कुश्ती करना शुरू कर दी थी। ये 10-time कुश्ती हैवीवेट अमेचर रेसलिंग चैंपियन एंड 3-time हिंद केसरी अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। इनकी हाइट 6 feet 4 inches एंड का वेट है 245 pounds। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है कविता देवी। कविता देवी भारत की तरफ से फर्स्ट फीमेल WWE रेसलर हैं। इनका रियल नेम कविता दलाल है और इनका जन्म 20 सितंबर 1986 को हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के मालवी नामक विलेज में हुआ था। WWE NXT के लाइव इवेंट्स में इन्होंने बहुत कम मैचेस लड़े हैं, लेकिन WWE ने इन्हें अपने बड़े बड़े शोज जैसे कि मे यंग क्लासिक टूर्नामेंट और रसलमिनिया 34 में हुई बैटल रॉयल मैच में हिस्सा बनाया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन्होंने प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग CWE में द ग्रेट खली सर से ली थी, जहां इन्हें हार्ट केडी के नाम से जाना जाता था। नंबर 3 पर आते हैं रिंकू सिंह राजपूत। दोस्तों रिंकू सिंह एक फॉर्मर प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर भी हैं, जिन्हें मिलियन डॉलर आर्म के भी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 8 अगस्त 1988 को UP इंडिया के भदोही विलेज में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने गरीबी और कई सारी परेशानियों का सामना किया। इनके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे। साल 2008 में इन्होंने द मिलियन डॉलर आर्म का कॉन्टेस्ट जीता। अपने सक्सेसफुल बेसबॉल करियर के बाद 13 जनवरी 2018 को इन्होंने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां ये हमारे इंडिया को WWE NXT में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी हाइट 6 feet 3 inches और इनका वेट 250 pounds है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं सौरभ गुर्जर। सौरभ गुर्जर का जन्म 5 जून 1984 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। ये नेशनल किक बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ ही साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। इन्होंने प्रो रेसलिंग में अपना डेब्यू साल 2011 में रिंग का किंग में किया था, जहां इन्हें डेडली डंडा के नाम से जाना जाता था। और फिर 14 जनवरी 2018 को सौरभ गुर्जर ने WWE NXT के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। प्रेजेंट टाइम में सौरभ गुर्जर रिंकू सिंह के साथ एक टैग टीम का हिस्सा है, जिसका नाम टीम नमस्ते है। इनकी हाइट 6 feet 8 inches एंड वेट 136 kg यानी कि 300 pounds है। दोस्तों नंबर 5 एंड नंबर 6 पर आते हैं द सिंह ब्रदर्स। सिंह ब्रदर्स यानी कि सुनील सिंह एंड समीर सिंह वैसे तो कनेडियन प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, लेकिन ये WWE में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सुनील सिंह का रियल नेम गुरविंदर सिहरा एंड समीर सिंह का रियल नेम हरविंदर सिहरा है। ये दोनों ही फॉर्मर WWE 24/7 चैंपियंस एंड रिंग का किंग टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं। सुनील सिंह की हाइट 5 feet 10 inches एंड समीर सिंह की हाइट 5 feet 9 inches है। रिंका किंग में इन्हें बॉलीवुड बॉयज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं भारत के शेर महाबली शीरा। दोस्तों महाबली शीरा का जन्म 17 अक्टूबर 1990 को फिरोजपुर पंजाब इंडिया में हुआ था। इनका रियल नेम अमनप्रीत सिंह रंधवा है। इन्होंने प्रो रेसलिंग में अपना डेब्यू साल 2011 में रिंका किंग में किया था और वहां पर रिंका किंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। साल 2015 में इन्होंने TNA इंपैक्ट रेसलिंग में टिगरे उनो नाम के रेसलर के खिलाफ अपना सिंगल्स मैच में डेब्यू किया, जहां ये जेम्स टॉम की टीम द रेवोल्यूशन का भी हिस्सा थे। साल 2017 में जब इंपैक्ट रेसलिंग इंडिया टूर पर आई थी, तब महाबली शीरा ने गॉन्टलेट मैच जीतकर सोनी 6 इन्विटेशनल ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। साल 2018 में WWE NXT ज्वाइन की महाबली शीरा ने, लेकिन उन्हें वहां का एनवायरनमेंट सूट नहीं किया और उन्होंने साल 2018 में ही NXT छोड़कर फिर से 2019 में इंपैक्ट रेसलिंग में अपना रिटर्न किया, जहां ये इंपैक्ट रेसलिंग के खतरनाक फैक्शन देसी हिट स्क्वाड का हिस्सा है। इनके खतरनाक गुस्से, लुक्स और पावर की वजह से इन्हें द लायन ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है और ये खुद को द वीर इंडियन वॉरियर भी कहते हैं। महाबली शीरा आने वाले समय में इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के भी प्रबल दावेदार बन सकते हैं।
दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं रोहित राजू। रोहित राजू का रियल नेम हकीम जैन है, जिनका जन्म सगिनो मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वैसे तो ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं, लेकिन इनके ग्रैंडफादर इंडिया से थे और इसीलिए रोहित राजू इंडिया को अपना देश मानते हैं। उनका कहना है कि वो दिल से इंडियन हैं और जब तक वो प्रो रेसलिंग करेंगे तब तक उनके नाम में राजू शब्द रहेगा, क्योंकि ये एक तरीके से इंडियन नेम लगता है। करंटली रोहित इम्पैक्ट रेसलिंग की टीम देसी हिट स्क्वाड का हिस्सा हैं, जहां ये द वीर इंडियन वॉरियर महाबली शिरा के साथ कई सारे टैग टीम मैचेस में फाइट कर चुके हैं। इनकी एज 38 इयर्स है। नंबर 9 पर आते हैं गामा सिंह। दोस्तों गामा सिंह का रियल नेम गदोवर सिंह सहोता है, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1954 को पंजाब इंडिया में हुआ था। इन्होंने प्रो रेसलिंग में अपना डेब्यू साल 1973 में किया था, जिसके बाद 1980 से 1986 तक इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी कि WWF में काम किया, जहां इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था। प्रेजेंट टाइम में ये इम्पैक्ट रेसलिंग की देसी हिट स्क्वाड में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। इनकी बिल्ट हाइट 5 feet 10 inches एंड इनका बिल्ट वेट है 225 pounds। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं राज सिंह। राज सिंह का रियल नेम मुनराज रिकार्डो सिंह सहोता है, जो कि गामा सिंह के बेटे हैं। ये एक इंडो कनेडियन प्रोफेशनल रेसलर हैं, जिनकी हाइट 5 feet 11 inches एंड वेट 213 pounds है। ये भी इम्पैक्ट रेसलिंग में देसी हिट स्क्वाड टीम का हिस्सा है। दोस्तों नंबर 11 पर आते हैं भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह का जन्म चंडीगढ़ इंडिया में हुआ था। ये एक फॉर्मर किकबॉक्सिंग प्लेयर होने के साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग में भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं। CWE में द ग्रेट खली सर से प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद में इन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग ज्वाइन की, जहां इन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग के एक्सप्लोजन शो में एक टैग टीम मैच में अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद में इन्होंने एक्सप्लोजन शो में कई सारे सिंगल्स मैचेस में भी फाइट की थी। दोस्तों नंबर 12 पर आते हैं गुरसिंदर सिंह। गुरसिंदर सिंह भी कुछ टाइम पहले तक देसी हिट स्क्वाड टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इन्होंने कंपनी से रिलीज मांग ली, जिसके बाद में इन्हें राज सिंह ने रिप्लेस किया था। ये पेशे से एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं, लेकिन इन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग में और कई सारी इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट कंपनीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए फाइट की थी। दोस्तों नंबर 13 पर आते हैं अकम। अकम का रियल नेम सनी धिंसा है। ये पेशे से एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं, जिनका जन्म 20 मई 1993 को कनाडा में हुआ था। करेंटली ये WWE रॉ के सबसे खतरनाक टैग टीम ऑथर्स ऑफ पेन का हिस्सा हैं, जो कि अब सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर एक तगड़ा फैक्शन बना चुकी है। इनकी एज 26 इयर्स है एंड इनकी हाइट है 6 feet 3 inches एंड वेट है 290 pounds। ये फॉर्मर NXT टैग टीम चैंपियन होने के साथ ही साथ फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों नंबर 14 पर आते हैं रोबो द पंजाबी लायन। रोबो द पंजाबी लायन का जन्म चंडीगढ़ पंजाब इंडिया के चतामली रोपाड़ नामक गांव में हुआ था। इनका रियल नेम हरप्रीत सिंह है। ये फॉर्मर स्टेट लेवल सॉकर प्लेयर होने के साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग में साल 2011 के मिस्टर चंडीगढ़ अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। साल 2016 में इन्होंने प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग लेकर अपने प्रो रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी और साल 2017 में WWE का ट्रायआउट भी दिया था। ये कई सारे इंडी रेसलिंग प्रमोशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और आने वाले टाइम में आपको किसी बड़े रेसलिंग प्रमोशन में भी देखने को मिलने वाले हैं। इनकी हाइट 6 feet एंड इनका वेट 237 pounds है। दोस्तों नंबर 15 पर आते हैं टाइगर जीत सिंह। इनका रियल नेम जगजीत सिंह हंस है, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1944 को हुआ था। ये एक इंडो कनेडियन सेमी रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर हैं। इन्होंने 22 सालों तक जापान में प्रो रेसलिंग की और वहां इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। दोस्तों नंबर 16 पर आते हैं टाइगर अली सिंह। टाइगर अली सिंह का रियल नेम गुरजीत सिंह हंस है, जिनका जन्म 9 मार्च 1971 को कनाडा में हुआ था। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में आकर इन्होंने टाइगर अली सिंह के नाम से साल 1997 से लेकर साल 2002 तक इंडिया को वहां रिप्रेजेंट किया था। इनकी गलती और WWE की बेकार बुकिंग की वजह से एक बार इंडियन फ्लैग की इंसल्ट भी हुई थी और इसी वजह से टाइगर अली सिंह ने WWE के ऊपर केस भी ठोक डाला था, जो कि काफी टाइम तक चला था। दोस्तों नंबर 17 पर आते हैं किशन रफ्तार।
किशन रफ्तार एक रिटायर्ड इंडियन प्रोफेशनल रेसलर हैं। इनका रियल नेम लवप्रीत सांगा है। ये फॉर्मर वर्ल्ड कबड्डी लीग चैंपियन भी रह चुके हैं। WWE इंडिया टूर पर भी इन्होंने जीत रामा सर के साथ में टीम अप करके मैच लड़ा था, जहां इन्होंने जेसन जॉर्डन और चेट गेबल की टीम को फेस किया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 18 पर आते हैं हमारे भारत देश की तरफ से सबसे बढ़िया हाई फ्लायर संजय दत्त। संजय दत्त का रियल नेम रितेश भल्ला है, जो कि एक इंडो अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1982 को वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इनके माता पिता इंडियन थे, जिसकी वजह से इनकी परवरिश भी एक इंडियन की तरह हुई थी। इनकी हाइट 5 feet 8 inches है एंड इनका वेट 194 pounds है। संजय दत्त अपने हाई फ्लाइंग मूव्स की वजह से अपने TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के करियर में काफ़ी फेमस रहे थे। अपने पूरे प्रो रेसलिंग के करियर में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और साल 2017 में इम्पैक्ट रेसलिंग के इंडिया टूर पर इम्पैक्ट रेसलिंग एक्स डिविजन टाइटल जीतकर अपने देश इंडिया का गौरव बढ़ाया। इनका एक्स डिविजन टाइटल रिंग भी 84 days का था, जो कि काफ़ी शानदार रहा। दोस्तों, नंबर 19 पर आते हैं द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। जिंदर महल का रियल नेम युवराज सिंह धेसी है। ये एक इंडो कनेडियन प्रोफेशनल रेसलर है। इनका जन्म 19 जुलाई 1986 को कलगरी अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। ये गामा सिंह के भतीजे हैं। इनकी हाइट 6 feet 5 inches एंड इनका वेट 238 pounds है। ये फॉर्मर WWE चैंपियन एंड फॉर्मर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, नंबर 20 पर आते हैं द ग्रेट खली। ग्रेट खली भारत के सभी प्रो रेसलर्स के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं। यही पहले इंडियन प्रो रेसलर हैं जिन्हें WWE ने साइन किया था। इन्होंने अपने पहले ही मैच में दी अंडरटेकर को हराया था। जॉन सीना, बिग शो, बटिस्टा जैसे रेसलर्स भी द ग्रेट खली के सामने कमजोर पड़ जाते थे और हार मान लिया करते थे। दोस्तों, द ग्रेट खली का रियल नेम दलीप सिंह राणा है। इन्हें महाबली खली के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश इंडिया में हुआ था। इन्होंने प्रो रेसलिंग में अपना डेब्यू साल 2000 में NJPW यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में किया था। इनकी हाइट 7 feet 1 inch एंड इनका वेट 157 kilograms यानी कि 350 pounds है। दोस्तों, द ग्रेट खली फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में ग्रेट खली अपनी CWE प्रो रेसलिंग एकेडमी में प्रो रेसलिंग ट्रेनर के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं एंड सोशल वर्क्स में भी ये अपना योगदान दिया करते हैं। इन्होंने कई सारी मूवीज में एक्टर के तौर पर भी काम किया है। तो दोस्तों, ये थी उन सभी भारतीय प्रोफेशनल रेसलर्स की लिस्ट जिन्होंने हमारे देश को, हमारे भारत को पूरे विश्व के सामने रिप्रेजेंट किया। इम्पैक्ट रेसलिंग एंड WWE जैसी कंपनीज में हमारे भारत का गौरव बढ़ाया। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इन सभी भारतीय प्रोफेशनल रेसलर्स में से फेवरेट रेसलर कौन है। तो भाइयों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।